अच्छा सर, अभी आपने काटना नहीं है, पहले हम आपसे कहेंगे आप बर्थडे विश करें, ठीक है? पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, तो फिर इट्स लाइक साइनिंग ऑफ फ्रॉम एवरीबॉडी। इज द वर्किंग मोड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हेल्थ एंड लाइफस्टाइल व्लॉग विद डॉक्टर फ्रीहान मोल। वेल, आज का मेरा जो है ये बहुत एक छोटा सा माइक्रो सा व्लॉग है, एंड दिस व्लॉग इज़ ऑल अबाउट माय वार्ड्स प्रोफेसर सर। द आप कहते थे कि इट्स अ वेरी रिनाउंड नेम, बाहर की कंट्रीज़ में बहुत रिनाउंड नेम है, पाकिस्तान का भी एक बहुत रिनाउंड नेम है पीडियाट्रिक सर्जरी में और पीडियाट्रिक बर्न में। तो प्रोफेसर शरीफ साहब की आज बर्थडे है, तो हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, और खाली उस बर्थडे को सेलिब्रेट नहीं कर रहे, इस ब्लॉग के बनाने का मकसद ये भी है कि हम उसके साथ जो है एक हेल्थ का एक मैसेज भी जो है वो दे रहे हैं कि भाई हमने कुछ चीज़ें इसमें की हैं जो आगे जाके आपको मैसेज जो है वो मिलेगा कि अगर हमने कैंडल्स नहीं जलाई तो क्यों नहीं जलाई। तो थोड़ा सा इस किस्म का भी जो है मैसेज है, और थोड़ी सी सेलिब्रेशंस भी है जो है वो हमारी वार्ड की तरफ से, और प्रोफेसर साहब का भी जो है वो क्या जो है वो लोगों के लिए अपनी बर्थडे के दिन पे क्या लोगों के लिए जो है वो मैसेज रहा, तो वो सारा जो है वो हम आज के इस व्लॉग में जो है वो कैप्चर करेंगे। छोटा सा व्लॉग होगा, लेकिन क्योंकि इट्स माय चैनल इज़ ऑल अबाउट हेल्थ एंड लाइफस्टाइल व्लॉग, तो थोड़ा सा हेल्थ एंड थोड़ा सा लाइफस्टाइल दोनों को कवर करेंगे और आप लोगों को जो है वो दिखाएंगे, और शायद मेरे थोड़े वार्ड के डॉक्टर से भी 1-on-1 मिलने का जो आपको मौका मिल जाए। इस टाइम मैं क्लासरूम में खड़ी हूँ बिकॉज, और यहाँ थोड़ी सी लाइट्स का मसला है, तो इसलिए शायद थोड़े मेरे मुँह पर कभी लाइट कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है, सो जस्ट अवॉइड इट। एंड जिस टाइम मैं क्लासरूम में खड़ी हूँ, एंड इस क्लासरूम में जो है अभी उन्होंने सेलिब्रेट द बर्थडे, तो अभी सब बर्थडे सब लोग आने वाले हैं, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। यस, ओके, सो दिस इज अ पार्ट ऑफ ए सेलिब्रेशन। थोड़ा ऊपर आ नहीं रहा, वो अभी फील नहीं हो रहा। ओके, तो आज हमारे एक मिनट सर, अभी नहीं घटना, हमारे आज प्रोफेसर सर का बर्थडे है, सो वी ऑल आर गैदर्ड, तो हम उनका सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले सर से पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आपकी बर्थडे विश हो जाए, पहले दिल में कर लें, अगर हमें नहीं बतानी तो ठीक है। अच्छा, हमने दिल में कर लिया। तो एक मिनट जी सर, चले सर, ऑल सेट। जो है अभी हम बर्थडे जो है वो सर का सेलिब्रेट कर रहे थे, सो वी ऑल आर लाइक, आप देख सकते हैं, तो दिस इज़ अ बैकग्राउंड, सो विश हिम अ बेस्ट विश। जी सर, आप हेल्थ के लिए अपनी बर्थडे के दिन पे जो है वो क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये है कि हम जो हेल्थ केयर कर रहे हैं वो सारी हॉस्पिटल को फोकस करें, वी शुड चेंज दी पैराडाइम फ्रॉम हॉस्पिटल केयर टू दी कम्युनिटी केयर। बिल्कुल सर, गो टू दी कम्युनिटी एंड डू दिस ऑल एक्टिविटी इन दी कम्युनिटी टू कलेक्ट दी डाटा। तो कम्युनिटी जो है ना, वो जिसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है हेल्थ, वहाँ पे हम नहीं जा रहे हैं। प्रिवेंशन जो है वो हम लैक कर रहे हैं, जबकि हमें प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लेकिन हम ज़्यादातर जो जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो क्योर के चल रहे हैं, प्रिवेंशन जो है उस पर तो जो थैंक यू सो मच। ओके, नाउ ओवर टू आवर एसोसिएट प्रोफेसर। तो जी सर काशिफ, आप जो है आपसे हम थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि हमने जब भी सर का भी केक काटा है उस पर हमने कैंडल नहीं लगाई है, तो अगर उसका क्या रीज़न है? हम बर्न वार्ड से बिलोंग करते हैं, तो उसका क्या रीज़न है? और पार्टी पॉपर्स पर भी अगर आप कुछ कहना चाहें तो। जी सर जी, हमारे पास बर्न के पेशेंट्स आ रहे हैं जिनमें मोस्ट ऑफ कॉमन जो कॉज होती है वो बर्न पेशेंट्स की होती है ड्यू टू फ्लेम। अब फ्लेम की मोस्टली जो हमने रीज़न देखी है वो माचिस की वजह से भी देखी है, कैंडल की वजह से भी देखी है। जिस तरह हमारे कंट्री के हालात है कि लोड शेडिंग ज़्यादा होती है, तो जो लो सोशल नंबर के जो फैमिलीज़ होती हैं वो लाइटनिंग करने के लिए कैंडल्स यूज़ करती हैं, तो कैंडल की वजह से बच्चों के बिस्तरों को आग लगती है, घर में आग लगती है, तो बच्चे बर्न हो जाते हैं। ये हमारी एक कंपेन है जो हम अपने प्रोफेसर साहब के जो ज़ेरे साया लेके चल रहे हैं, इसलिए इनिशिएटिव के तौर पे हमने जो आज बर्थडे की सेलिब्रेशन की है उसमें हमने कैंडल का इस्तेमाल नहीं किया, ताकि एक मैसेज जाए कि बर्थडे जो है बगैर कैंडल के भी सेलिब्रेट की जा सकती है, ना सिर्फ कैंडल बल्कि पार्टी पॉपर जिसके अंदर इन्फ्लेमेबल टिश्यूज़ होते हैं, छोटे छोटे शॉपर के पीसेज होते हैं, उनको भी हमने डिस्कर्ज किया है। उसकी डिस्कर्ज करने की वजह भी यही थी कि उनको सो दैट दे कैन थैंक यू सो मच। सो चले, अब चलते हैं प्रोफेसर साहब के ये की तरफ और उनके रिमार्क्स जानते हैं आज बर्थडे।
तो चले चलते हैं प्रोफेसर साहब के पीए की तरफ। अस्सलाम वालेकुम आतिफ। कैसी हैं मैडम आप? मैं ठीक हूँ जी। आतिफ क्या कहेंगे आज सर का बर्थडे है, सर के लिए कोई मैसेज? जी मैडम आज तो फ्राइडे है, बल्कि ब्लेस्ड फ्राइडे हो गया तो आज सर प्रोफेसर शेर साहब मेरे बॉस हैं, उनकी बर्थडे है तो उनको मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। तो हियर इज द वर्किंग मोड। क्या कहना चाहेंगे? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी प्रोफेसर साहब को हम अपने दिलों बहुत से कहते हैं हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू। जियो हजारों साल हमारे प्रोफेसर साहब, जिंदाबाद। ओके हाँ सर को क्या कहना चाहोगे? बोलो हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे सर, कहीं दौड़ जा जल्दी कर। ओके तो फिर इट्स लाइक साइनिंग ऑफ फ्रॉम एवरीबॉडी। ये बर्थडे सेलिब्रेशन।